दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिथिलेश और आज हम बात करने वाले हैं सैनी 45 टन क्रोलर क्रेन ACC 450 A6 45 टन क्रेन के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ से अपना ये चाबी अगर लगा करके खोलना है, अगर लॉक है तो यहाँ से खोल लेंगे, उसके बाद ये खुलेगा। उसके बाद यहाँ इंजन है, डीजल है, पूरा इंजन है, इधर पूरा इंजन इधर ही है, डीजल फिल्टर इधर है और ये गेज है, ऑयल का इंजन ऑयल का गेयर गेज निकालिए। इंजन ऑयल का गेज हो गया और मैक्सिमम मिनिमम इसमें दिया है, ये फुल हो गया है और यहाँ इस दोनों के बीच में होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। मतलब अगर आपका फुल है तो बेटर है, इससे नीचे तो जाए ही ना। अगर आपको इंजन ऑयल टॉप अप करना है तो आप यहाँ से टॉप अप कर सकते हैं इंजन ऑयल अगर कम है तो। और ये अपना फिल्टर हो गया, ये अल्टरनेटर हो गया और ये अपना इंजन हो गया, बेचाई का इंजन है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ बेचाई का इंजन है, 6 सिलेंडर का इंजन है ये। और बाकी अब एक नए आदमी के लिए इतना कुछ बहुत है, तो हम उम्मीद करते हैं को वीडियो अच्छा लगा हो। ये मेन बेंच है एक नंबर और ये सेकंड बेंच, सेकंड बेंच दो नंबर और ये है तीसरा नंबर बेंच। यानी तीसरा नंबर जो बेंच है वो हमारे बूम को गाइड करता है और ये हमारा जो सेकंड बेंच है इसमें एग्जैक्टली हुक चलता है और ये हमारा मेन हुक ब्लॉक चलता है इसमें। अब रहा बात कि ये जो है क्या बोलते हैं उस्ताद, गैंड्री जी, ये अपना गैंड्री हो गया, ये क्या है पैनल पट्टा जी, ये पैनल पट्टा हो गया, ऊपर ये जिसमें वायर रोप लगा हुआ है ये अपना सी ब्लॉक हो गया, ये और ये अपना बैक स्टॉपर हो गया, ये जो है मैं नीचे चल रहा हूँ, पैर कट ऑफ है ना, ये जो है ये देखिएगा ये दोनों ही बेंच में लगा हुआ है, ये अपना थर्ड वायर रोप का कट ऑफ है। यानी कि जब इस बेंच में वायर रोप कम पड़ जाएगा, लास्ट में 3 या 4 राउंड बच जाएगा, तब इसका काम है कि यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा, आपका कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। सेम इसमें भी है, आप देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ भी है, तो दोनों का सेम काम है। बाकी ये बेंच आप देख ही लिए, आगे चलिए। अपना बॉटम बूम हो गया, उसके बाद बीच में एक नंबर दो नंबर करके आप चल सकते हैं, टॉप ऊपर है और आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं बूम। आगे की जो ऊपर घाई रोप है, घाई रोप को पूरा दिखाइए, जो ज्वाइंट है बूम के हिसाब से आपका जितना मीटर बूम डालेंगे उतना मीटर घाई रोप डाल के आप बढ़ा सकते हैं। मतलब इसमें जैक नहीं दिया है, स्विंग मोटर है ये अपना, मतलब स्विंग मोटर हो गया, ये ब्रेक यूनिट हो गया और ये हो गया अपना गियर बॉक्स, ये अपना स्विंग का गियर बॉक्स, यानी ये पूरा यूनिट स्विंग मोटर में आ गया। और ये जो है अपना लिफ्टिंग करने के लिए पॉइंट दे रखा है, इसी तरह से पीछे भी होगा जब हमें लोड करना पड़ता है मशीन तब। ये अपना जो बूम के लेंथ सेंसर का जो है, लेंथ वगैरह का है, उसका ये वायरिंग का सॉकेट है। और ये जो है अपना सेंटर लॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ आकर के सेंटर में लॉक हो जाता है दोनों साइड। ये है जो सिलेंडर अपना चैन बाहर और अंदर करने के लिए है। और ये जो है ये यहाँ से निकाल करके और यहाँ पे लॉक हो जाएगा जब अपना ये बाहर करेंगे क्रोलर। ये जो आउटरिगर है ये मतलब ये रेम जो है, रेम को अंदर करेंगे, इस पिन को निकाल करके दोनों साइड का ये पिन निकल जाएगा और अंदर करके दोनों साइड देखिए यहाँ पे ये जो होल है इसमें लॉक कर देंगे और उसमें भी होल है, इसी तरह से सेम पीछे भी होल है, मार्चिंग लीवर से करेंगे बता। और ध्यान रखें कि जब हम इसको अंदर करें तो मार्चिंग लीवर से हल्का हल्का कटिंग करके और इसका स्विच दे करके रखें ये आउटरिगर का, और उसके बाद अंदर कर लें। ये आपका बैटरी कटा हो गया,
मतलब अभी बैटरी ऑन है, ये आपका कट ऑफ कट हो गया, ये आपका ऑन है, नीचे करने से ऑन हो जाएगा, ऊपर करने से कट ऑफ हो जाएगा। ये आपका इधर ही हाइड्रोलिक ऑयल है, गेज है मतलब। अच्छा, ये हमारा हाइड्रोलिक लेवल है। ओके, ये हाइड्रोलिक टैंक भी यही है। ओके, फिल्टर वगैरह चेंज करना है तो ऊपर से? ऊपर से जी। मेन पंप हो गया हाइड्रोलिक का, फिल्टर है ना, ये अपना एयर फिल्टर है, तो बीच बीच में हमें साफ़ करते रहना है इसको। तो ये अपना ये सब तो हो ही गया, और आप देख सकते हैं ये लाइट का है, केबिन लाइट का, इधर जलेगा, दोनों तरफ जलता है। और ये अपना एसी वगैरह दिया है पीछे, और ये अपना इमरजेंसी का हो गया। इमरजेंसी में अगर आपको बंद करना है तो इसको दबा दिए तो बंद हो जाएगा। क्या ही? अब यहाँ से अपना जो है कि काम चालू करना है तो क्या करना है? पहले आएंगे आप, चाबी ऑन करेंगे। हाँ जी, उसके बाद जब तक पूरा डिस्प्ले ऑन नहीं होता। एक बार चाबी ऑफ करके ऑन कीजिए, थोड़ा डिस्प्ले को मेरे को दिखाना है। ऑफ है, अब ऑन कीजिए, इसको ऑन कीजिए। चाबी ऑन हो गया, डिस्प्ले में इस तरह से आएगा। ये ऊपर कैमरा चालू हो गया और नीचे अपना डिस्प्ले चालू हो गया। मेन बेंच में बेंच का, हाँ ये सेकंड बेंच का। हाँ जी, ये सेकंड बेंच, ये बूम का मतलब थर्ड बेंच का, थर्ड बेंच यानी कि बूम अप डाउन। हाँ, बूम अप डाउन का, एक क्रॉलर का है मतलब अंदर बाहर करने का। अच्छा, ये जो हम लोग जिस टाइम चैन लगाते हैं असेंबल डिसमेंटल, असेंबल डिसमेंटल के लिए वो है। लाइट हो गया। हाँ जी, ये सेटिंग का हो गया। ये क्या चीज़ का सेटिंग है? अरे इसका ही है। अच्छा, ये आपका हो गया वाइपर। ये वाइपर हो गया, और ये आपका पानी का हो गया। हाँ, ये आपका पानी का हो गया। आरपीएम फिक्स करने का है, ये मतलब आपका हाई लो, मतलब ये कछुआ और खरगोश का जो है कम ज्यादा करने का है। अच्छा, ये फ्री फॉल चालू करने के लिए, तो यहाँ है तो आपका फ्री फॉल नहीं चलेगा, और उधर कर दिए तो फ्री फॉल, इधर कर दिए तो अभी फ्री फॉल पे है। हाँ, ये फ्री फॉल ऑन है आपका। हाँ, मतलब जैसे छोड़ेंगे वैसे जाएगा, तो ये फ्री फॉल का है। ओके, और अपना लीवर में क्या क्या है? लीवर का मेन ड्रम का है, मेन ड्रम का आगे अरिया, हाँ पीछे हाविस, हाँ राइट में डाउन, लेफ्ट में अप, बूम अप डाउन, बूम अप डाउन। ओके, और ये जो दूसरा वाला लीवर है इसमें आपका सेकंड बेंच जी, अरिया, हाँ, हाविस, स्विंग मतलब राइट स्विंग, लेफ्ट स्विंग, ये आपका स्विंग ब्रेक है, ये आपका स्विंग लॉक ब्रेक, मतलब स्विंग ब्रेक ऑटोमेटिक है कि लगाना पड़ता है? लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं है। ऑटोमेटिक नहीं, स्विंग मतलब छोड़ देते हैं तो भगता है इसमें। हाँ, स्विंग अगर डाउन पे है तो भगता है, तो इसको यानी दबा दिए तो स्विंग ब्रेक लग, नहीं नहीं भगेगा नहीं, ऑटोमेटिक भी है, ऑटोमेटिक भी है तो इसे रुके रहेगा। अच्छा, ऑटोमेटिक भी है, छोड़ दिए तो रुका रहेगा, मगर ये एक तरीके का लॉक। हॉर्न कौन सा है? ये हॉर्न हो गया और ये लॉक हो गया, दोनों में सेम है। ये आपका कोई भी फंक्शन काम करने का, हाँ हाई और लो है। कौन सा हाई लो है? ये बटन, ये हाई का है जी, हाई और लो, लो इसी में हाई भी है, इसी में लो भी है। एक बार दबाएंगे तो हाई, दूसरे बार दबाएंगे तो लो। ये देखो, ये डिस्प्ले में दिखाओ, अभी दबाया तो लो हो गया। हाँ, ये देखो, अभी हाई हो गया। अच्छा, उसी बटन को दबाएं आप, एक मिनट दिखाइए फिर से। हाँ, उस बटन को दबाएं तो लो हो गया, कछुआ का चित्र दिखा दिया, हट गया, वो हाई हो गया जी। ये अपना वीडियो है, ये मतलब गिरा, ये कैसे डायरेक्ट हो जाएगा? ये नीचे है तो अपना कुछ भी काम नहीं करेगा, इधर का कोई मतलब ये लीवर ओवर कुछ काम नहीं करेगा। और इसको जैसे ही ऐसे ही उठेगा, जैसे ही इसको उठा दिए तो सब कुछ इधर चालू हो गया। अभी जब तक आप इस पे सीट पे नहीं बैठेंगे, हाँ यानी सीट में सेंसर, सीट में सेंसर दिया हुआ, सेंसर दिया आप कर सकते हैं। अभी मतलब सीट पे आप नहीं बैठे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, और सीट पे थोड़ा बैठिए, मतलब अभी हिलने लगा, हो गया मतलब हो रहा है, यानी कि सीट में सेंसर दिया है। और इसका सेंसर का कोई लिमिट है कितना केजी तक? मतलब एक होता है कि 50 केजी या 60 केजी, ये पता नहीं है, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, ओके, ये आपका एक्सीलेटर हो गया, ये मार्चिंग का हो गया, आप पैर से भी कर सकते हैं, हाथ भी कर सकते हैं, मतलब ये अभी पीछे करेंगे तो आगे जाएगा, मतलब आपका अभी रिवर्स में चल रहा है। अच्छा, ये रिवर्स में चल रहा है, हाँ आगे करेंगे तो इधर जाएगा। हाँ,
मतलब जिधर करेंगे उधर जाएगा अगर सीधा है तो। ये फ्री फॉल चलाने के लिए इसको दबा करके और लीवर दबाएंगे तो फ्री फॉल। ये आप पहले ऑन करेंगे। अच्छा, इसको ऑन करके फ्री फॉल का ड्रम चालू हो जाएगा। इसको ऑन करके और उसके बाद इसको दबा के रखना पड़ेगा तो फ्री फॉल अपने आप। ये बटन भी लीवर में लेफ्ट साइड में। अच्छा, तो ये क्या चीज है? बटन पकड़ के रखना पड़ेगा। ये पकड़ कर भाई, तरीका का क्लच है। ओके, ये जो लाइट है अपना, जैसे ओवरलोड जब हम उठाते हैं तो बाईपास करते हैं तो ये लाइट जलेगा, उसका है बाईपास, मतलब ओवरलोड का है। और ये अपना सिगरेट धराने के लिए भी है और मोबाइल चार्जर भी है। तो ये बाईपास वाला थोड़ा सा स्विच दिखाइए इधर। अच्छा, इसको जब घुमाएंगे इसको आप राइट साइड में घुमाएंगे तो बाईपास आपका ऑन हो गया इधर, मतलब यहाँ पे ये लाइट जल गया। बंद कीजिए उसको। हाँ, उसको बंद कर दिया था ये लाइट को। ओके, और ये क्या चीज़ का स्विच है? ये बूम का लाइट का है। अच्छा, ये ऊपर बूम का लाइट का है। थोड़ा चालू करेंगे क्या? नहीं, अभी फिलहाल लाइट नहीं लगाई। अच्छा, लाइट ओके ओके ओके। ये फैन का स्विच हो गया, इधर राइट में चालू हो गया, लेफ्ट में नहीं चलेगा। अब हमें सिलाई ऑन कर रहे हैं, चाबी ऑन किए और सिलाई हमारा ऐसा दिखा रहा है। टाइम लगेगा उसको आना और कुछ समय लगता है इसको चालू होने में, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। ये हमारा ऐसे चालू हुआ। अब ये चालू होने के बाद आप देख सकते हैं मेंटेनेंस इनवॉइस ऑन डे, यानी कि आप डेली जो चेकलिस्ट आप चेक करते हैं वो इसमें है और आपके चेकलिस्ट में आता ही होगा वो चीज़। आप देख लीजिएगा चेक द इंजन ऑयल, इस तरह से इंजन एंड पंप, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। बहुत लंबा हो जाएगा उस तरह से, और वैसा होगा तो हम इसका भी वीडियो एक बना देंगे। और अब हमें इसमें बैक जाना है। हम इसको टच किए, हम बैक चले आए और बैक आने के बाद हमारा सिलाई चालू हो गया। मोड भी चेंज कर सकते हैं। और अभी जो है हमारा डे मोड में है, अब हमें नाइट मोड में करना है। तो यहाँ से होगा ना? बैक करो, बैक एक मिनट, सॉरी, एकदम नीचे से यहाँ। ये हमारा नाइट मोड में हो गया, यानी कि हमारे आँख पे प्रकाश कम पड़ेगा। तो ये हमारा देखिए बैटरी 100% चार्ज है। ये हमारा टाइम है, यहाँ हमारा परसेंटेज दिखा रहा है, ये हमारा लेवल का है। और यहाँ पे जो है अब आप देख सकते हैं, ये हमारा हॉर्स मीटर है, इतना घंटा हमारा गाड़ी चला हुआ है। और ये RPM है, रेस पर मिनट। ये हमारा इंजन ऑयल टेम्परेचर है। और तो ये हमारा 65 डिग्री इंजन का टेम्परेचर है। उसके बाद ये हमारा इंजन ऑयल प्रेशर का है। और ये डीजल का परसेंटेज दिखा रहा है। और ये वेदर मौसम का दिखा रहा है कि अभी इतना डिग्री गर्मी है। और ये जो है आपका एनीमोमीटर का दिखाता है, ये जो है अपना मशीन में कुछ एरर आता है तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है, तो देखिए आप मशीन लेवल नहीं दिखा रहा है, मशीन लेवल नहीं है अभी। और थोड़ा सा ये डिस्टर्ब भी हमें लग रहा है कि चल रहा है, तो इस चीज़ का है। और दूसरा चीज़ कि ये हमारा रेडियस हो गया, लोड रेडियस। और ये हमारा 18 मीटर जो है, ये हमारा हाइट हो गया, यहाँ 0 से ऊपर तक 19 मीटर बूम लेंथ हो गया। और रेडियस तो आपको मैं बता ही दिया था, ये रेडियस 10.5 मीटर दिखा रहा है। और ये हमारा डिग्री हो गया बूम का, देख रहे हैं एरो मारा हुआ है। और ये 950 kg हुक ब्लॉक दिखा रहा है। और ये हमारा कैपेसिटी है, 45 टन का मशीन है जो यहाँ दिखा रहा है। पार्ट्स ऑफ लाइन हमारा मेन हुक ब्लॉक में चार ही है ना गुरु जी? तो ये 4 दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं मेनू का है, मेनू है सिस्टम, तो यहाँ आ जाएगा। इसमें जो है कि हमारे एसी है, FM है। हाँ, मतलब इसमें हमारे काम का एसी और FM है, बाकी तो इंजीनियर का है। बाकी जानकारी हो आप भी कर सकते हो, इसी कोई बात नहीं। हाँ, मतलब उसके लिए थोड़ा सा इंजीनियर का सपोर्ट लेना पड़ेगा तो लाइट जलेगा, कोई भी एरर रहेगा तो, यानी कि ये इस एरर की वजह से ये लाइट जल रहा है। ये इंजन में कोई प्रॉब्लम आएगा तो इंजन का सिंबल है ये। बाकी ये LC है आपका, इसमें जो जो भरा हुआ है कितना क्या
काम है। अच्छा, ये लोड चार्ट का आपका हो गया। हाँ, ये आपका लोड चार्ट हो गया। ओके, और करंट मतलब लोड चार्ट जो है उसका है। बाकी करंट कितना आपको, एक मिनट, करंट लोड चार्ट वाला थोड़ा सा बैक कीजिए। हाँ, करंट लोड चार्ट में अभी क्या है कि आपका ये दिखा रहा है, टोटल बूम लेंथ कितना है इसमें, 19 मीटर। सोलह मीटर तक इसका बनाया है, मतलब फिक्स किया है। 19 मीटर का बूम लगाया तो 16 मीटर तक आप डाउन मार के काम कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका रेडियस दिखा रहा है 16 मीटर। ये 16 मीटर रेडियस हो गया, उसका ये सीरियल आपका हो गया, और ये हो गया कैपेसिटी वैल्यू। तो 16 मीटर तक आप इसमें काम कर सकते हैं, और इसमें कैपेसिटी जो बन रहा है आपका ये है, इस चीज़ का है। ओके, बाकी ये क्या क्या चीज़ है, पूरा भरा हुआ कितना क्या। अच्छा, इसमें जो जिसमें हमें जाना है, कैपेसिटी है इसका क्या, वो है जिसमें आपको ज़रूरत जो है, टच करेंगे तो हम वहाँ जा सकते हैं। जैसे हमारा बाकी जैसे हमें मान लीजिए कि ये टच नहीं करने कहीं नहीं जाएगा, मतलब पूरा सिस्टम है। आपको मतलब सेटिंग में क्या क्या भरा है ये चीज़ दिखा रहा है, मतलब अभी ये इस मोड में है जो चीज़ आपका चल रहा है, इस मोड में वन है, बूम दो लगा हुआ है, टोटल 16 फंक्शन, मतलब इसमें जो भी है टोटल मतलब फंक्शन आपका दिखा रहा है 15। ओके, ये आपका वर्किंग हुक ऑप्शन, जिसे मैनुअल ऑटोमेटिक होता है ना दो। हाँ, तो अभी ऑटोमेटिक में है, मतलब इसमें चेंज कर सकते हैं मैनुअल ऑटो करके। ये टच में मैनुअल हो गया, ये ऑटो हो गया, और उसमें टच करके चला जाना है। हुक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, तो यानी एक नंबर दो नंबर का ही है। ये आपका पार्ट्स ऑफ लाइन, यहाँ से हम कम बेसी कर सकते हैं टच करके जो हमें चाहिए। ओके, हमें चार ही चाहिए। और ये हमारे मशीन का है, जो हमारा हुक ब्लॉक जो चलता है, तो हमारा अभी मेन हुक ब्लॉक में है, तो 45 टन की मशीन है, 45 टन का हुक ब्लॉक दिखा रहा है। उसके बाद इसमें हम चेंज कर सकते हैं, टच करेंगे चेंज हो जाएगा। अब बैक जाइए, इससे इधर बैक जा सकते हैं, उससे आगे जा सकते हैं। ये आपका बूम सेलेक्ट करने के लिए कितना मीटर बूम आप ऐड किए। अच्छा, इसमें हमारा 19 मीटर बूम ऐड है। ओके, इसका है। काउंटर वेट का सिलेक्शन, इसमें काउंटर वेट का सिलेक्शन आएगा। काउंटर वेट कितना है, फुल भर के रखा 15 टन टोटल है इसका। अच्छा, तो ये 10.5 क्या दिखा रहा है ना, 4 पार्ट 3 पार्ट में है ना काउंटर वेट, 3 पार्ट में। इसको एक बार हम टच कर रहे हैं, ये तो फुल काउंटर वेट हो गया। अच्छा, ये फुल हो गया, प्लस कर फुल भर के रखा, मतलब जो जो इसमें भरा, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता क्या, नहीं इधर से नहीं होगा। अच्छा, ये सेटिंग है वो आगे से ही सेटिंग से। ओके, ये अपना असेंबली मोड है फ्लाई जीप का, फ्लाई जीप का हो गया मेन जितना, मतलब असेंबली मोड। हाँ, ओके, ये आपका मेन सिस्टम सेटिंग है, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम फैक्ट्री सेटिंग LMI कलेक्शन, इसमें कैलिब्रेशन करने के लिए है। तो कैलिब्रेशन तो जो है कि वो इंजीनियर लोग करेंगे, एंगल कैलिब्रेशन तो आपको अगर मालूम है तो आप भी कर सकते हैं, मतलब अपना मैनुअल देख कर। बाकी सब इतना ही है, इतना अपने काम का है। बाकी इसमें आप थोड़ा सा चेंज करने के लिए दूसरा जो कैमरा जो चालू होता है कैसे होगा, ये दोनों है ना राइट लेफ्ट, तो ये अपना बेंच का दिखा दिया। ओके, ये अपना राइट साइड का बैक का है। ओके, ये इधर राइट साइड है, इधर बैक है, राइट साइड का इधर है। ओके, तो बैक, और यहाँ से जो चार कैमरा का जो ऑप्शन दिया है उसको चालू कीजिएगा।